हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इम्पैक एकेडमी एडू चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और वीडियो जिसमें हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता है हम सब अंग्रेजी तो बोलते हैं, है ना, बोलते हो आप सब भी, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम सही उसका उच्चारण या जिसको आप कहते हैं प्रोनंसिएशन उसका सही नहीं कर पाते हैं। इवन आपको बताया जाए तो हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स ने भी हमें नहीं बताया, सच बात ये है। तो अगर मैं सीख सकती हूँ, मैंने भी सीखा है, तो सीखकर आपके लिए मैंने ये वीडियो लाया है, तो आप भी सीख सकते हो। तो यहाँ क्या होता है कि इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ कुछ लेटर्स जो है साइलेंट होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे वर्ड्स जिनमें बी साइलेंट होगा। क्या बी साइलेंट होगा? तो चलिए एक एक करके इन्हें हम प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला है दोस्तों BOMB, बॉम्ब, है ना। हम इसे कैसे बोलते हैं? बॉम्ब बोलते हैं, लेकिन गलत है ये। तो हम इसे बोलेंगे बॉम्ब। क्या बोलेंगे? बॉम्ब। बी साइलेंट होगा, यहाँ बी जो है साइलेंट होगा, ठीक है। दूसरा है CLIMB, क्लाइंब। रॉन्ग, वी हैव टू से क्लाइंब। क्या बोलेंगे हम? CLIM, यहाँ तक ही हमें बोलना है, क्लाइंब, क्लाइंब। COMB, कॉम्ब नहीं, कॉम, कॉम। CRUMB, क्रम्ब नहीं, क्रम, क्रम। बी साइलेंट है यहाँ भी। जितने भी आपको रेड बी दिख रहे हैं ये सारे साइलेंट है यहाँ। DEBT, क्या बोलेंगे इसको? डेट, डेट। DOUBT, डाउट। क्या बोलेंगे इसको? डाउट। LAMB, इसको लैम्ब नहीं बोलेंगे, लैम। क्या बोलेंगे? लैम। LIMB, लाइम, लाइम। NUMB, नम। क्या बोलेंगे? नम। PLUMBER, प्लम्बर। नो, प्लम्बर नहीं होगा, इसे हम कहेंगे प्लम्बर, प्लम्बर। THUMB, थम्ब नहीं, ठीक है, थम। क्या बोलेंगे? थम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको हम डम्ब नहीं कहेंगे, डम्ब नहीं कहेंगे, डम, DUM, डम, DUM, डम, ठीक है। बी साइलेंट रहेगा, तो आपको समझाने के लिए मैंने इसे बी को नहीं कहा। तो दोस्तों, शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आगे मैं इस तरह के अलग अलग लेटर्स जो साइलेंट होंगे, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स लाऊंगी। तो ये पहला वीडियो है हमारा जिसमें बी लेटर साइलेंट है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सारे एक एक करके प्रैक्टिस करिए, तो आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।